हो। तो जी आप बोले अब कब पाकिस्तान से कब आपने यहाँ पे तशरीफ लाई कारगिल, और कैसा लग रहा है आपको कारगिल, कैसा लग रहा है बोलो। मैं बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। मैं भी एक उड़ा हो गया। चेरी चेरी जरा जरा हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम फैमिली, वेलकम बैक। तो जी आज है जुमातुल मुबारक, अभी टाइम आया है 1:15। तो जी जल्दी से चाय को निपटाएंगे और निकलेंगे ईदगाह नमाज पढ़ने, उसके बाद भी है प्लान एक कहीं पे जाने का। तो जी बनते रहे, आपको बहुत ही मजा आएगा, कीप वाचिंग। प्यारे भाई बुल्ली भाई, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। ये जबरदस्त करते हैं मिमिक्री ना, इनके साथ बहुत ही मजा आता है, पर ये कैमरा शाय है यहाँ से, वरना तो अपनी चैनल की तो हाइट भी कुछ और हो जाती अगर ये औलाद में आ जाते, पर ये डरते हैं। राजा नमाज नहीं पढ़ती है, जा रहा हूं क्या। पहुंचने वाले हम ईदगाह, मुझे लगता है टाइम पे पहुंचे हम, 1:40 आया टाइम। कहाँ गया कहाँ गया, आ ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा जी ईदगाह। जामा मस्जिद में आजकल नमाज नहीं होती है क्योंकि वहाँ पे उतनी स्पेस नहीं है। लोग आ रहे हैं जल्दी से, अभी जी निकल रहे हैं बंदे नमाज पढ़ के। ओहो ये रहे आप प्यारे अल्फाज भाई, क्या बात है। हाँ ये बुला दिया, और सुना बढ़िया है बढ़िया यार, दिखते नहीं हो क्या? रोज तो दिखता हूँ इंस्टा पे। हाँ इतना शायर है अपने, बढ़िया शायर हैं। अरे फोन टूट गया यार आज, कोई नहीं फोन टूट गया। तो जी आज मैंने पहना है फुल ब्लैक इसलिए क्योंकि आज मुहर्रम चल रहा है, तो इट इज़ फॉर द लव एंड यूनिटी विद कम्युनिटी, इसीलिए आप भी पहना कीजिए इन दिनों, अच्छा रहेगा। हाँ चलो आ जाओ जी। ये रहे फिरोज भाई, क्या हाल चाल, ब्लैक ड्रेस में जच रहे हो आप, और ऊपर से क्या है अंदर से क्या है लगाया है, बॉडी नहीं है ना इसीलिए, है ना, अगर बॉडी होती तो नहीं तो क्यों लगा था। चलो अब क्या प्लान है, अब बस भी नहीं। ये मेरा सवाल है, वहाँ पे जाए उसके पास चाय पिए। वो गुल्ली तुझे कुछ बोलना है बोल रहा था, गुल्ली आ रहा है ना, यहाँ से आ रहा है हमारा प्यारा गुल्ली भाई बोलना था हमारा गुल्ली भाई। सलाम अलैकुम हबीबी, क्या हाल चाल है गुल्ली, तो आज हम आपको मुलाकात करेंगे पाकिस्तान के लेजेंडरी बॉलर हसन अली के साथ, जो कि आज आए हैं कारगिल यहाँ पे हमारे रेस्टोरेंट पे। तो जी आप बोले अब कब पाकिस्तान से कब आपने यहाँ पे तशरीफ लाई कारगिल, और कैसा लग रहा है आपको कारगिल, कैसा लग रहा है बोलो। बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, तो फिर मैं पाकिस्तान से आके डेढ़ महीना हो गया। अच्छा ये बोलो, बोलिंग क्यों आपको चैंपियंस ट्रॉफी के बाद आपकी जो बोलिंग है वो क्यों खराब हो गई, अब आप अच्छी बोलिंग क्यों नहीं करते हो, क्या हो गया है जरा? मैं पता ही नहीं, वीकनेस आ गई है, हसन अली को दबाना दबा के खाना चाहिए तभी इसकी बोलिंग अच्छी होगी, है ना भाई, है कि नहीं। ये रही जामिया मस्जिद हनफिया अहले सुन्नत वाल जमात कारगिल। एक्चुअली यहीं पे जुमा की नमाज पढ़ी जाती थी, पर ना समर्स में ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे उतनी स्पेस नहीं है जितनी ईदगाह में होती हैं। मैं एक्चुअली जा रहा था घर की ओर, तो वहाँ से बाइक लाएंगे फिर जाएंगे हम शेर बाग, वो भी एक बढ़िया जगह है यहाँ पे। तो बनते रहे, हम निकलेंगे बाइक पे निकलेंगे वहीं की ओर, जब मैं घर पहुँचूँगा फिर निकलेंगे। कीप वॉचिंग। ये रहा मैन मार्केट का रोड, और यहाँ से हमें जाना है अपने रूम की ओर। हाँ जी, तो पेट पूजा की बाइक की, आ जाए। हाँ आगे आगे, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ जी, तो हमने बाइक को यहाँ पे रखा, और यहाँ से रास्ता है जहाँ से बाइक नहीं जाती है, एक तरह से ऑफ रोडिंग टाइप है, ऑफ रोड नहीं पैदल जाना है। आ जाओ लेडीज एंड जेंटलमैन, तो चलते हैं।
आ जाइए। एक ही रास्ता है, यहीं से सिर्फ जाते हैं। लोग बोलते हैं वेटलैंड टाइप है। ये जगह तो बहुत ही प्यारी है। यहाँ ब्रिज के है ना, नीचे से जाएंगे, ब्रिज से जाए यहाँ से जाए, इधर से ऊपर से अच्छा। यहाँ पे पता है किस चीज का मजा आएगा? यहाँ पे बारबेक्यूज बनाने का मजा आएगा। टेंट लाओ, बारबेक्यूज बनाओ। गेस व्हाट गाइस, फाइनली हम पहुंचे शेरबाग। अगर जी फेरोज भाई ने बोला था इसको बोलते हैं शेरबाग, पर ये रहा। आ जाओ, आ जाइए। ओके जी, चलिए चलिए जी। तो जी यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, मजा आएगा, उनके साथ खेलेंगे थोड़ा सा। तो हम भी खेलें यार, खेलेंगे हम भी खेलेंगे यार। ये तो सीधे है जन्नत में खेलना। कुछ नहीं होता इस बार से यार, इससे कुछ नहीं होता। लेदर भी लगे। एक बाल का मेहमान था तो पहली बाल में ही आप आउट हो चुके हैं भाई, आप क्या बोलना चाहते हो? बैट बहुत ही छोटा है यार साइज में। मुझे लगता है आपको खेलना आता ही नहीं। हाँ, वो बात आपको बैट लेने का तरीका था ही नहीं। हाँ जी फैमिली, अभी यहाँ से निकलते हैं और जाना है हमें एक जगह, खास जगह, जिसके बारे में आपको फेरोज भाई बोलेंगे क्योंकि यही बोल रहे हैं, इंसिस्ट कर रहे हैं। तो जी कहाँ पे जाना है हमें और कैसी जगह है? हमें जाना है आशियाना रिजॉर्ट, इधर से 7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना है। 7-8 ही है ना, बाइक जाएगी वहाँ तक यार? अगर उसे ज्यादा हुआ ना, मुझे लगता है बाइक ही रुक जाएगी। चलो चलो ठीक है, तो ऐसे क्यों करता है? सच तो कह रहा हूँ ना। बोल के हमें हिट होना है, सच वच हमें कुछ नहीं बोलना है लोगों के। आप हम यहाँ से हर एक शिफ्ट इम्पोर्टेंट है। 2000 years later. Ladies and gentlemen, finally we have arrived at Ashiana Resort. फेरोज भाई ने बोला था 7 किलोमीटर दूर है, पर मुझे नहीं लगता, अभी मैं गूगल पे सर्च करूंगा, मुझे लगता है 15 किलोमीटर होगा। चलो देखेंगे, अभी मैं बोलूंगा ना आपको कितना। जिनको बोलो कहाँ पे लगाएंगे टेंट, अंदर वालो इमान इधर पूछ रहे, अंदर लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं टेंट का, या पर उछते जाओ या पर किस से है कि ये इतना है रिते इधर से जाएंगे ना सीधा, उधर आगे भी इधर ही नीचे भी है ना, उधर भी वहां पे भी लगा सकते हैं। हां वहां पे अच्छा है, इधर ऊपर उनको पूछो भाई अब लगाते, वो जगह तो जबरदस्त है यार वहां पे। हेलो जी, यहां से है। मैं भी एक उड़ाऊ चेरी चेरी, जरा जरा फेरोज भाई ने चढ़ पा रहा था वहां पे, आप देखो। फैमिली हम यहाँ से निकलेंगे अभी। एक्चुअली ना ये बहुत ही बड़ा रिजॉर्ट है, यहाँ पे बहुत सारा ये है एक्सप्लोर करने के लिए, पर आज टाइम नहीं आया। आप देख सकते हो, जरा इनको थोड़ा सा ऑल ओवर व्यू दिखाना है यहाँ से, वहां से भी है ना, आगे से भी है। और ना हम काम करेंगे, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, फिर से मिलेंगे और एक व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, सी यू सून। आई हियर द बीट, इट्स इन माय चेस्ट, गॉट मी फीलिंग सम काइंड ऑफ वे। I confess the rhythm takes over, no to rest. My heart's dancing, it's a love conquest.
smooth and sweet.